नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहा किसान आंदोलन अब भटकता दिख रहा है। उसका कारण है अनाप शनाप बयानबाजी। जी हां, जो आंदोलन राकेश टिकैत की अगुवाई में पिछले 3 महीने से आगे बढ़ा, आज वही आंदोलन विवादित बयानों से बदनाम होता दिख रहा है। राकेश टिकैत के सुर हर दिन बदलते जा रहे हैं। जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला, वो आंदोलन आज उग्र बयानबाजी की भेंट चढ़ रहा है। राकेश टिकैत ने अब सीधा सीधा केंद्र सरकार को धमकी दे दिया है, ये खुली चुनौती दे दी है और संसद पर 40 लाख ट्रैक्टर के साथ चढ़ाई का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत के शब्दों को आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो अब दिल्ली की सड़कों पर नफरत की फसल बोने के लिए उतावले हो गए हैं। उनकी नए कृषि कानून रद्द करने की मांग अब सियासी बयानबाजियों में उलझती हुई दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत के इस विवादित बयान से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आंदोलन को राकेश टिकैत क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या धमकी से कृषि कानून पर समाधान निकल जाएगा? बड़ा सवाल ये भी है कि शांति से बातचीत के बीच आखिर राकेश टिकैत धमकी पर अब क्यों उतर रहे हैं? और सबसे बड़ा अखाड़ा में आज इन्हीं सवालों के साथ अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। ऐसे में राकेश टिकैत के इस ऐलान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, मसलन आंदोलन को राकेश टिकैत क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या जिस तरह से धमकी दी जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से, क्या धमकी से कृषि कानून का समाधान निकल पाएगा? क्या उन्हें उम्मीद लगी हुई है कि इस तरह से सरकार को धमका कर, इस तरह से 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद की तरफ कूच करके कृषि कानून को वापस करवा दिया जाएगा? राकेश टिकैत के विरोध करने का एक ऐसा तरीका है? क्या राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं? क्योंकि ये जो बयान उनका सामने आया है वो तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। संसद में 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आखिरकार राकेश टिकैत क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या राकेश टिकैत के सामने संसद की कोई मर्यादा नहीं? शांति से बात के बीच धमकी पर अब राकेश टिकैत क्यों उतर आए हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीकेयू प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्टूडियो में ही मौजूद है। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत किसान नेता के साथ करना चाहूंगी मैं। प्रबल जी, आप ये बताएं, राकेश टिकैत का ये बयान हमने सुना, तमाम लोगों को सुनवाया जी। क्या दिखाना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद पर कूच करना, क्या शो करना चाहते हैं? ये विरोध करने का किस तरह का तरीका है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या इस तरह से धमका कर खुली चुनौती केंद्र सरकार को देकर तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है? देखिए शिल्पा जी, मैं प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन असली का जी। ये जो आज जो आप चला रहे हैं 40 लाख ट्रैक्टर का, संसद मार्च का हमने 1 फरवरी को भी घोषणा किया था कि 1 फरवरी को हम संसद मार्च चले, तो उसमें वो 26 जनवरी की घटना जो सरकार ने करवा दी दीप सिद्धू के माध्यम से, इसके लिए हम लोग ने उसको निरस्त कर दिया। हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हर बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। अब इस पर मंथन चलेगा संयुक्त किसान मोर्चा में, मंथन करने के बाद हम संसद मार्च कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? संसद इस देश के लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश की जनता का है वो। अगर हमारी बात बॉर्डर्स पे बैठने के बावजूद ये सरकार नहीं सुन रही है तो हमारे पास क्या रास्ता बचा? हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम संसद पे जाएं। वो संसद जो हमारी है, जो देश की जनता की है, जनता इस देश की मालिक है और सरकार जो है इस देश की सेवक है, इसमें कहां दिक्कत है? और संसद मार्च तो हमेशा होते रहे हैं। ये जो वर्तमान सरकार है, जब से ये आई है, इसके खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई उठ खड़ा होता है तो उसको वो राष्ट्रद्रोही बताती है। संसद मार्च अगर कोई कर रहा है तो उसको भी राष्ट्र के विरोध में, जबकि संसद मार्च हमारा लोकतांत्रिक हक है, ये कौन छीन सकता है? लोकतांत्रिक हक है आपका, ये कौन छीन सकता है हमसे? इस बात पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूं। और ये जो सारी बातें आज आप कह रही हैं, 26 जनवरी से पहले जब आप लोग तमाम किसान नेता, तमाम किसान संगठन जब ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए थे, उस दौरान भी यही सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन फिर 26 तारीख को वो जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से उपद्रव फैलाया गया, उसको देखकर अब डर लग रहा है कि अगर 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद पर आप लोग कूच करने जाएंगे, वैसा ही कुछ दोहरा दिया गया, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे?
क्योंकि उस समय भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला। आप लोगों ने कहा कि भाई ये बीजेपी वालों ने करवाया है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने कहा जिनका आंदोलन उनकी जिम्मेदारी। ऐसे में इस बात का जवाब है आपके पास शिल्पा जी? उसके बाद 26 जनवरी के बाद हमने चक्का जाम किया, वो भी शांतिपूर्ण निभाया हमने। उसके बाद हमने रेल चक्का जाम किया 18 फरवरी को, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आंदोलन को बदनाम करने की जो कृत्य करते हैं, उसके बाद ही हमारा आंदोलन 26 जनवरी को भी उसमें शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग घुस गए थे, जिन्होंने बदमाशी की। ये सरकार का एजेंडा था, सरकार ने बदमाशी करवाई, हमारे लोग नहीं थे। सरकार दोबारा नहीं करवा सकती? मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर आपके आरोप के मुताबिक मैं जाऊं, क्या सरकार दोबारा ऐसा नहीं करवा सकती तो आपका आंदोलन क्या और ज्यादा बदनाम नहीं हो जाएगा? और बड़ी मुश्किल से रातों रात वो तो राकेश शिकायत के आंसू निकल आए, जिस वजह से पूरा मामला पलट गया। वरना आपको पता था ना कि उस 26 जनवरी की हिंसा के बाद किस तरह से आप लोगों के हाथ जल गए थे। शिल्पा जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि देश भर में चक्का जाम किया, वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। रेलों को चक्का जाम हुआ 4 घंटे का, वो भी पूरे देश भर में हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पिछले 90 दिनों से किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हैं। आप आते हो यहाँ तक, तमाम मीडिया के लोग हमारे विरोध में भी खबरें वहाँ दिखाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तब भी हम उनका सम्मान करते हैं। किसी ने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। हमारे किसान यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लेने आए। देखिए सरकार क्या करती है, अपने मीडिया चैनलों के द्वारा वो खबरों को प्लांट कराती है। और ये क्या कर रहे हैं, हमारी 3 मुद्दे हैं। पहला MSP गारंटी कानून चाहिए, दूसरा ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए, तीसरा ये सारी बातें कई दफा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरा लागू करना है। आप मुझे बस इतना बताइए कि अगर 4 लाख ट्रैक्टर से वो तस्वीरें सामने आ सकती है 26 जनवरी वाली, तो फिर अगर 40 लाख ट्रैक्टर वहां पर पहुंचेंगे संसद में तो क्या होगा? अरे तो जनता ही तो, अगर जनतंत्र में संसद पे मार्च करना क्या गुनाह है? क्या कोई गुनाह नहीं है? संसद मार्च करना हमारा लोकतांत्रिक हक है। लेकिन मैं दोबारा उपद्रव ना फैला पाए, कौन उपद्रव उसमें भी की गारंटी ले सकते हैं? मैं शिल्पा जी बता रहा हूँ, उस समय भी उपद्रव किसान नेताओं की या फिर मासूम किसानों की जान ना जाए, इस बात मैं क्या कह रहा हूँ, उस दौरान भी किसानों ने कोई अभद्रता नहीं की। इतने किसान आए किसी एक दुकान जिन को लोगों ने अभद्रता की, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया वो तो दोबारा भी फैला सकते हैं। उस बात से आप लोग सबक क्यों नहीं ले रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग जो दिल्ली हिंसा कर रहे हैं, किसी ने किसी एक दुकान को, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। वो लोग थे जिन्होंने किया, वो भारतीय जनता पार्टी के दीप सिद्धू था। दीप सिद्धू जिसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ है, दीप सिद्धू जिसकी तस्वीर हमारे गृह मंत्री के साथ है, दीप सिद्धू जिसका जो पॉलिटिकल एडवाइजर था सनी देओल का, वो था, वो था, वो जिम्मेदार था, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार थे, आरएसएस के लोग जिम्मेदार थे। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन आपसे दूसरे खास मेहमानों पर जाने से पहले एक और आखिरी सवाल, उसके बाद अन्य तमाम मेहमानों से इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की अब इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद पर जाने के जरिए क्या प्लानिंग है, क्या सोचकर, क्या आपकी सारी रणनीति तैयार हो चुकी है? राकेश शिकैत ने बस बयान दे दिया है और अब आपको उस बयान को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। संसद मार्च पर जो मार्च होगा उस पर चर्चा होती है, हमारे यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है, उस बैठक करता है, चर्चा करता है, उसके आयाम तैयार करता है, तब होता है। उन्होंने तो बात कही, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, हम संयुक्त किसान मोर्चा में इसका प्रस्ताव रखेंगे, इसमें बात करेंगे। ये तरीका सुनो, नहीं आप पूरा बयान सुनो, बयान को आधा नहीं सुना जाता, पूरा बयान सुनो। संयुक्त किसान मोर्चा तय करता है, हमारे यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, संसद मार्च करना होगा, पदयात्रा करना होगा, पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे या भैंसा बुग्गी से जाएंगे, वो तो हमारा अधिकार है ना, वो हम तय करेंगे कैसे जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, इसको लेकर आप लोग तैयारियां करेंगे, आपका कहना है। अगर सरकार हमारी, हमने हमने क्या कहा, सरकार अगर हमारी बात की तरफ से कोई पहल, कोई आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सवाल का जवाब अब सीधा कमर अली जी से लेने वाली हूँ। देखिए सरकार पूरा अहंकार में है, आप लोग इंतजार में बैठे हैं, हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं। हम तो लोकतंत्र नहीं मिल पा रही है, हम तो लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं, हम तो गांधीवादी तरीके से बात करते हैं। अच्छा, हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, और हम इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुन लिया आपने, तब हम लोग सुन लिया आपने, किसान इंतजार कर रहा है कि कब सरकार की तरफ से पहल करते हुए एक तारीख सामने आएगी और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार तारीख दे नहीं रही, ऐसे में अब
किसान नेताओं के पास और क्या विकल्प बचता है? संसद मार्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सिलसिला हमेशा जारी रहा है और हमेशा ने जारी रखा है। 12-13 बार की वार्ता हो चुकी है, वो आपने भी दिखाया, हिंदुस्तान की आवाम भी जानती है, हमारा अन्नदाता भी जानता है। जो लोग जानते थे कि हमारा जो कानून सही है वो लोग घर चले गए हैं, वापसी में कुछ लोग हैं जिनको गुमराह किया गया है। ऐसे मंडी खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे, ऐसी चीजें आई जो कि अमीर लोग जमीन बेच देंगे, जमीनें छीन ली जाएंगी, ऐसा कोई कानून में नहीं प्रावधान है, जो कि सच्चाई सामने आई, लोगों ने इस बात को माना और चले गए। आप ये राकेश टिकैत जी का जो बयान के बारे में जिक्र कर रही है, धमकी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको एक बार और गौर से देखा जाए। राजस्थान का बयान है वो, और वहां कांग्रेस सरकार है, वो उनके हैं लफ्ज कांग्रेस के, अगर आप गौर करेंगे शिल्पा जी इस बात पर गौर करिएगा, बहुत धमकी वहां दे रहे हैं जाके, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। अब पेट्रोल डीजल के बारे में बहुत धरना प्रदर्शन कर चुकी है कांग्रेस, अब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार, धमकी वहां से दिलवाई जा रही केंद्र सरकार को, और डीजल पेट्रोल के बारे में राकेश टिकैत जी को जवाब भी दे रहे थे कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हम पेट्रोल डीजल और गैस महंगी सबसे ज्यादा बेचने वाले प्रदेश हम हैं। ये सच्ची चीज तो क्लियर आवाम के सामने होना चाहिए, जब वो धमकी दिलवा सकते हो तो उनको बताना चाहिए कि गैस सबसे ज्यादा महंगी हम बेच रहे हैं हिंदुस्तान में, पेट्रोल हम सबसे ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, गैस हम सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए। और धमकी जो वहां से दिलवा रहे हैं राकेश टिकैत जी द्वारा, देखिए मैं राकेश टिकैत जी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो कांग्रेस जो उनके मुंह में लफ्ज डाल रही है ये मुनासिब नहीं है। कांग्रेस ये जवाब नहीं दे पाएगी बैठ के कि 2013 में इस अन्नदाता को, इस किसान भाई को 6 महीने तक आपने रोड पे बैठाला था, बैठाने के बाद उससे बातचीत नहीं करी थी, 2 शक्ति कमेटी बना के आपने भेजी थी। आप किसान अन्नदाता को क्या करते हैं? आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं? आप सच्चाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप धमकी दिलवा रहे हैं? अरे कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसे छोड़िए ना, कब तक कांग्रेस को पकड़ कर बैठे रहेंगे? आप ये बताएं कि अब आप इस आंदोलन के समाधान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बयान कहां दिया शिल्पा जी, इस बात पर गौर करेंगे आप? कहां दिया है बयान, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्या दिया है बयान, और उस बयान का क्या मतलब निकाला जाता है, वो बयान क्यों दिया गया है? अगर अगर आप लोग इस आंदोलन का समाधान निकाल लेते तो ये नौबत क्या आती? क्या उन्हें राजस्थान पहुंचना पड़ता? इस तरह से 40 लाख ट्रैक्टर की बात कहनी पड़ती? आंदोलन का हमने रास्ता निकाला, हमने बातचीत करी, हमने उस अन्नदाता के साथ अगली बातचीत का भोजन भी किया, किसान नेता इसी इंतजार में तो बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल बातचीत करी जाएगी, बुलाइए कैबिनेट होने वाली, उस कैबिनेट के बाद प्रस्ताव उनको भेजा जाएगा, फिर से उनको बुलाया जाएगा। हमने उनसे सुझाव मांगे, आज तक सुझाव नहीं दे पाए। शिल्पा जी ये भी तो आप बात करिए, जब हमने सुझाव उनसे मांगे तो उनको सुझाव देना चाहिए ना, वो तो कह रहे हैं कितनी दफा सुझाव दे चुके हैं और सुझाव के बारे में अब तो वो बात करना ही नहीं चाहते, वो तो अब ये कह रहे हैं हमें सुझाव ना देना ना लेना, हमको बस ये तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। देखिए शिल्पा जी कोई भी फैसला जो होता है वो मैं पे नहीं होता है, हम सब पे होता है, इस हिंदुस्तान में हम सब रहते हैं, मैं पे कोई फैसला नहीं होता, हम पे होता है, जो हमारे देश हित में होगा वो हम करेंगे। आपकी बात वाजिब है, इससे मैं सहमत हूँ। समाधान अगर निकालना होगा तो दोनों पक्षों के सामने आना होगा, दोनों पक्षों को बेशक से झुककर एक कदम पीछे हटकर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। चलिए ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय जी, क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी के समय ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों के समर्थन में खड़ी थी, क्या इस 40 लाख ट्रैक्टर मार्च के साथ भी आप लोग उतने ही समर्थन के साथ खड़े हुए हैं? शिल्पा जी पहली बात तो 40 लाख जब कहा तो पूरी भाजपा और पूरी देश की भाजपाई मीडिया जो है बड़ा परेशान हो गई। अभी तक तो उसको मुट्ठी भर किसान आंदोलन कहते थे लोग, आज इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? 40 लाख यदि किसान ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, इसका मतलब देश में किसानों की जो समस्या है और किसानों की जो आवाज़ है वो आवाज़ बुलंद होगी, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से वो बात करना चाहेंगे, उसका समर्थन सदैव कांग्रेस करती रही है, करती रहेगी। यदि इनके कुछ दलाल किस्म के लोग, आरएसएस के लोग या भाजपाई जो उपद्रवी हैं वो उसमें घुसने का प्रयास करेंगे तो इस बार किसान भी उनको उनके लहजे में उनको समझाएगा कि भैया उनको पकड़ कर पुलिस को देगा, जिस तरह से पुलिस नहीं पकड़ पाती है। अब किसान का ही यही रोल रह गया है कि वो अपने आंदोलन को भी स्वयं सुरक्षित रखेगा, जिससे कि नफरती लोग उसमें न पैदा आए। जहां तक बात है नफरत का फसल इस देश में कौन बो रहा है? किसान बो रहा है कि इस देश की सरकार बो रही है? पूरा देश देख रहा है। संसद मार्च पर कोई किसी को आपत्ति होगी, क्या लोकतंत्र
किसी एक व्यक्ति का पौती है, लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और संसद पर यदि कोई जाना चाहता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से, तो ये जनतांत्रिक संवैधानिक अधिकार उसी संसद ने दिया है, हर व्यक्ति को दिया है अधिकार कि वो संसदीय मर्यादा में रह करके संसद में मार्च कर सकता है और संसद पे जाकर अपनी बात रख सकता है। जब गुंगी सरकार बात नहीं मानेगी, जब कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहेगी सरकार, तो उसको जगाने का काम ही इस देश के किसान लेकिन जब गणतंत्र दिवस पर किसान कर रहे हैं। एक बात, देश के लाल किले पर पहुंचकर वहां पर चढ़कर तलवारबाजी की गई थी, जिस तरह से वहां पर हंगामा किया गया था, उपद्रव फैलाया गया था, तो कांग्रेस पार्टी ही थी ना चिल्ला चिल्ला कर जवाब मांग रही थी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसी के मद्देनजर, तो इसी की आशंका के मद्देनजर से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं सर। शिल्पा जी एकदम बढ़िया कहा, जब भी इस देश के स्वाभिमान की रक्षा करने में सरकार असक्षम रहेगी तो उस सरकार से बार बार प्रश्न कांग्रेस करेगी, कांग्रेस एक काम करेगी कि देश की सुरक्षा और देश के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। अभी भी वो दीप संधु पर क्या हुआ कोई चर्चा नहीं, 15 दिन बाद उस सड़क पर पाया गया और पार्क में लगा जैसे कि पुलिस नौटंकी करके पकड़ रही है बेचारे, इतने पुलिस वालों की भी जान गई है, उनके प्रति भी हमारी संवेदना है। एक दूसरा है जो घूम रहा है रोज फेसबुक लाइक करता है, सरकार पकड़ नहीं रही है चूंकि जानती है कि वो किसके लोग हैं, और वो आएंगे और सही से जांच होगी तो क्या होगा, तो इसलिए ये बदनाम कौन किसको कर रहा है पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको अंतिम बात कह देता हूँ, किसान जो भोलापन में अपनी जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा है देश का अन्नदाता, उसको भोला जरूर है लेकिन समझ सब चीज की है, ये गलतफहमी में नत रहे। भड़का कौन है और भड़काया गया कौन है, भटका कौन है और भरमाया गया कौन है, ये देश के लोग आम जनता देख रही है। ये देश की सरकार भटक गई है, देश के भाजपा के लोग भ्रमित हो गए हैं और अंधभक्ति में देश के किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी और चाइनीज कहने पे तुले हुए हैं। देखिएगा इस देश की जनता ही जनतंत्र की सच्ची आवाज होगी और किसानों के माध्यम से वो आवाज। एक तरफ तो शांति से बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा था, वहीं अचानक से इस तरह से धमकी दी जाने लगी, आपको क्या लग रहा है, क्या मामला दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है? शिल्पा जी, हिंदुस्तान की जनता और पूरे विश्व की जनता की यहाँ किस समय हमारे वहाँ चल रहे इस किसान आंदोलन पे हैं। बिल्कुल। और देश की कितनी ख्याति दूर दूर तक हो रही है वो आप सब लोग जानते हैं। पिछले एक वर्ष में कोरोना काल में अगर हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई है तो आखिरी समय तक अन्न मिलने के कारण यही हमारे अन्नदाता थे, और आज जिस तरीके से अन्नदाता पूरी ठंडी से लेके अब गर्मियों की शुरुआत होने जा रही है वो वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है जिसको आप कह रही है बातचीत कर रही थी, 14 राउंडों की बातचीत कर चुकी है। 14 राउंड में कृषि मंत्री और जो पीयूष गोयल जी मंत्री जी हैं और माननीय कई और मंत्री हैं उनसे साथ बात करते हैं और नतीजा 0 निकला है। ठीक है, इसके बाद अगर इस अहंकारी सरकार के कान में जू नहीं रोंगती है तो किसान जो करेंगे समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और हर तरीके से उनके हकूक की लड़ाई के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। क्या अब मजबूरी यही तरीका हो गई है किसान नेताओं की, सरकार को 3 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, कुछ ऐसा ठोस कदम फिलहाल उठता हुआ नजर आ नहीं रहा, तो ऐसे में कुछ तो किया जाना जरूरी था, तो यही सही। फिलहाल ये जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये जो खुली चुनौती दी गई है केंद्र सरकार को, ये जो धमकाया जा रहा है सीधे सीधे राकेश टिकैत की तरफ से, ये इस आंदोलन को किस तरफ आगे ले जाता हुआ आप देख रहे हैं, और क्या इस धमकी का कोई असर हो पाएगा या फिर 26 जनवरी वाला मामला तो दोबारा रिपीट नहीं हो जाएगा, क्या लग रहा है आपका विश्लेषण, क्या कहता है, किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जिक्र करना उस बात का कि अगर आप चीनी सैनिकों के साथ बात करें कि उनके चाहे मिलिट्री लेवल पे डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे हिंदुस्तानी जो हैं दोनों डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर जो कमांडर लेवल पे जो बात हो रही है उनके साथ, तो वो एक सिलसिला चल रहा है, आज भी चल रहा है, और कितने समय से वो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ था यहाँ पर कि पहले हमने देखा 2018 में ढोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद गलवान घाटी में हुआ, और अभी जब वहाँ से एक डीएस्केलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो ये निश्चित बात है स्वागत योग्य है, और अब बातचीत वो चल रही है कि आप जो
डेपसैम पे और यहाँ पर जो बाकी जगह है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पे, वहां पर आप चीनी वहां पर कैसे आप अपनी सैनिकों को वापस करें, सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित बात है, लेकिन यहीं पर यही वही बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बातचीत का जो सिलसिला है, जो प्रक्रिया है, उसको थमना नहीं चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर किसान भाइयों को भी जो देश के अन्नदाता हैं, जिनको हम नमन करते हैं और जिनके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी ने यह जताने की कोशिश नहीं करी। अगर इक्का दुक्का लोग कोई बोलते हैं कि यहाँ पर खालिस्तानी के पोस्टर दिखे, तो वो उसमें आप ये नहीं कह सकते। देखिए, मैं विश्लेषक बतौर विश्लेषक के तौर पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, यहाँ पर आप ये सारे बीजेपी वालों को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बोल रहे यहाँ पर कि वो खालिस्तानी है। यहाँ पर किसानों का हम लोग सब सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से समझना पड़ेगा कि ये एक बात का अंदेशा जताया गया था कि किसान आंदोलन, कि किसान भोला भाला है, समझदार भी है, देश का अन्नदाता है, जब देशवासियों को जब अन्न देता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या अहमियत है। लेकिन यहाँ पर अंदेशा ये जताया गया था कि यहाँ पर इस आंदोलन को कोई असामाजिक तत्व हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, और ये हुआ तो हमारे क्या ये आप इस बात को नकार सकते हैं कि तिरंगे का अपमान हुआ, जो देश की आन बान और शान है, यहाँ पर वो भी हुआ 26 जनवरी को, जबकि आश्वस्त करा गया था कि यहाँ पर शांति बना के रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, मामले की तह तक जब जाया जाएगा, पूरी जांच कमेटी जो बैठी है वो उस पर जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि जब ये बात चल रही है राकेश टिकैत की तरफ से कि अब संसद की तरफ मार्च करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि जब आपके संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं, आज तक अगर आप 2021 तक ले 104 बारी संशोधन हो चुके हैं, क्या आप ये बोलेंगे कि हम संविधान हमारे को मंजूर नहीं? लेकिन, तो लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है, मुद्दा ये भी जरा बताइए कि अब तक तो कुछ प्लानिंग भी नहीं हुई। नहीं, प्लानिंग जिस तरह से प्रबल जी कह रहे हैं कि अभी तो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठकर बातचीत होगी, ऐसे में क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? तो बात ये भी चल रही है, बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कहने का हर किसी को हक है, जैसे किसान भाइयों का हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको हक है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। ऐसे तो बातचीत ये भी चल रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो चाहते नहीं कि मामले का समाधान निकले, यहाँ पर ऐसे ही और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो आपको चिन्हित करने पड़ेंगे कि कौन है वो लोग जो बातचीत का समाधान नहीं निकलने दे रहे। तो यहाँ पर ये निश्चित बात है कि किसान भी चाहते हैं कि एक तरफ कोरोना के संक्रमण का खतरा वो झेल रहे थे, सर्दी की मार भी उन्होंने झेली, यहाँ पर अब गर्मी भी है, बहुत सारे पहलू इसके पीछे जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विपिन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, और इसके अलावा एक और जरा मुझे जवाब दीजिएगा, फिलहाल ये अब कोई विकल्प आगे दिखाई दे नहीं रहा है, सरकार बातचीत की कोई तारीख नहीं बता रही, किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उनके सामने और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इस आंदोलन के अंदर एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, आंदोलन की आग को जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ करना, इस तरह की बयानबाजियां करना, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लानिंग अभी कुछ नहीं हुई है, इंप्लीमेंट करने के लिए अभी ब्लूप्रिंट तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन बयान दे दिया गया है, यानी कि एक तरीके से संकेत कर दिया गया है, इशारा कर दिया गया है कि आप लोग तैयार रहिएगा, ऐसा कुछ करने की भी हम लोग आगे सोच रहे हैं, तो ये किस तरफ जाता हुआ? मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि यहाँ पर दोनों पक्षों को कुछ कदम चलने पड़ेंगे, यहाँ पर अड़ियर रवैये से काम नहीं चलने वाला, और नाक या अहम उसका सवाल नहीं है। आपने देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है, राष्ट्र निर्माण भी करना है, और चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर, ये सब बातें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो बोलते हैं मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, तो अब क्या दिक्कत है कि अगर प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवानों के साथ जाके दिवाली मना सकते हैं, तो उसी तरह से अगर किसान भाइयों के बीच में आ जाए, अपने मन की बात, उनकी भी मन की बात सुने, अपनी भी मन की बात कहें। कमर अली जी, एक फोन कॉल दूर पीएम नरेंद्र मोदी तक किसान पहुंच नहीं पा रहे। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, नहीं पहुंच पा रही है, और उधर वो भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब हम जय जवान जय किसान बोलते हैं, या तो मैंने प्रधानमंत्री की बात कर दी कि प्रधानमंत्री जब दिवाली जाके मना सकते हैं जवानों के साथ, तो किसानों के साथ भी जाना चाहिए। उसी तरह से कौन कौन जो घायल जवान थे हमारे दिल्ली पुलिस के, उनको मिलने कौन कौन गया, तो क्या ये राजनीति नहीं है? ठीक है, कमर अली जी जवाब दीजिए, क्या ये राजनीति नहीं है? और क्या कोलकाता के किसानों को आप जबरदस्त तरीके से समृद्ध करने का दावा करते हैं, उनके सामने ये बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आपसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो बेचारे किसान पिछले 3 महीने से बैठे हुए हैं, उनके पास जाने का पीएम मोदी के पास समय नहीं होता, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या सिर्फ सब कुछ सियासत के इर्द गिर्द ही होता है? देखिए शिल्पा जी, आपने देखा, मानिए
गृह मंत्री जी से वार्ता हुई, कृषि मंत्री जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी की, रक्षा मंत्री जी से हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार मन की बात करी, कई बार संबोधित किया और हमेशा उन्होंने कहा कि देखिए आइए हम बैठ के बात करें, जब इतने लोग बातचीत कर रहे हैं, सिलसिला एक जारी है, तो इसका खैर मकदम भी करना चाहिए। एक महीने से सिलसिला रुका हुआ है। सिलसिला किस वजह से रुका है, इस बात पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। जो लोगों हमने आपसे कहा कि आइए आप सुझाव अपने लेके आइए, आप सुझाव लेके नहीं जा रहे हैं, आप अड़िए नहीं। अड़ने का क्या मतलब होता है, मैं किस बात की है, हम है प्रबल जी, सरकार कह रही है भैया हम इंतजार में बैठे हैं, आप लोग सुझाव लेकर आए, तुरंत हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि इन कानूनों में सबसे बड़ा, मिडिल क्लास के लिए मैं बोल रहा हूँ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020, जानती क्या है, असीमित भंडारण का इन्होंने दे दिया। असीमित भंडारण कौन करेगा, अडानी करेंगे, गेहूं, चावल, आटा, खाद तेल, दालें और आपके फल, आलू, प्याज, इस सब का सीमित, जब सीमित भंडारण था तब, सुन लीजिए पहले हमारी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, समझिए इसको, असीमित, जब सीमित भंडारण था तब तो लोग कालाबाजारी कर देते थे, अब असीमित भंडारण में क्या स्थिति होगी, सरकार कालाबाजारी कराना चाहती देश के अंदर, इसकी महंगाई की मार किसको, मिडिल क्लास के ऊपर जाएगी। जब लॉकडाउन के दौरान कॉर्पोरेट कंपनियों ने लोगों की जॉब या तो कम कर दी, हटा दी उनको, या तो 40-50% सैलरी में लोग काम करने, कम सैलरी पे काम करने के लिए, आज पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा हो गया, वो उसका भार किस पे जा रहा है, मिडिल क्लास पे जा रहा है। उसके बाद आप आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन के थ्रू उनको मारना चाहते हैं। ये लड़ाई किसान अपने MSP के लिए ही नहीं, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ ही नहीं, ये लड़ाई है मिडिल क्लास के लिए, और इसके साथ साथ हम गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपने घर बैठे हैं, सरकार अपने घर बैठी है, संशोधन की बात कर रहे हैं, पढ़ाएगा कौन, आप जो बात करते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन की जो बात कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, निश्चित बात है, लेकिन ये वो बात बिल्कुल जायज है आपकी कि यहाँ पर जब भंडारण की सीमा खुल जाएगी तो आप किसको बढ़ावा देंगे, कालाबाजारी को बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पर वो बात समझ आती है, आशंका जो जताई जा रही है दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहना कि आप ये जो सारे कृषि कानून है वो काले कानून है, उनको वापस ले तभी बातचीत की सिलसिला शुरू होगा, वो भी वो देखिए वो हो जाता है। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, अरानी अंबानी को आप लोग इतना कोसते हैं, अगर ऐसे उद्योगपति आप लोगों से सामान खरीदना ही बंद करेंगे तो फिर आप लोग बेचेंगे कहाँ पर, इस बात को सोचा है? पहले हमारी बात सुनिए आप, हम ये कह रहे हैं नए कानून बना लो, नए तरीके से बना लो जिसमें स्टेक होल्डर से बात कर लो। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किसान है, इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं, न्यायविद हैं, और कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुला लो। मैं तो कह रहा हूं कि सबको बुलाओ, एक ओपन फोरम करो। इस समय सरकार ने क्या किया, गलती क्या की, इस कानून को ये बैडली, नहीं सुन लीजिए, ये बैडली ड्राफ्टेड, एक सेकंड बस, प्रबल जी बात पूरी होने दीजिए, एक सेकंड में सीधा आप ही के पास आ रही हूं। ये बैडली ड्राफ्टेड बिल है, इसमें आप, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी है बहुत सारी, ये बैडली ड्राफ्टेड बिल है, और इसको तुरंत कूड़ेदान में फेंक कर नए कानून बनाओ, MSP पे गारंटी कानून दो, CACP सुन लीजिए, क्या गारंटी है कि आपको उस पर विश्वास होगा? शिल्पा जी सुन लीजिए, शिल्पा जी आप लोगों ने उसे शिल्पा जी मुद्दे, मैं मुद्दे पे भटकने नहीं दूंगा। CACP जो लागत तय करती है MSP की, उस पे बाउंड नहीं है सरकार, हम चाहते हैं उसको संवैधानिक दर्जा दे। अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करोगे तो किसानों के हालात सही, लेकिन ये क्या करना चाहते हैं, ये किसानों को गरीब रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं अंबानी के हाथ में रिटेल्स आ जाए और अडानी के हाथ में भंडारण आ जाए। शिल्पा जी सुन लीजिए, शिल्पा जी पहले मेरी बात सुन लीजिए, हम अडानी और अंबानी को इस देश के ऊपर एकाधिकार नहीं, हम उनकी गुलामी मंजूर नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई इसलिए चल रही है, मेरे परदादा आजाद इन फौज में लड़े, हम इस देश में गुलाम अंग्रेजों के नहीं रहे, तो हम अंबानी अडानी के रहेंगे। चलिए ठीक है, और दूसरी बात, आपने कहा संसद मार्च, मोटेरा में जिस तरीके से सरकार बाहर, तो आपसे बात मोटेरा स्टेडियम में, जैसे नाम नरेंद्र मोदी का हो गया है, कि सरकार क्या आश्वासन देना चाह रही, क्या कहना चाह रही, जिस दिन संसद का नाम आप नरेंद्र मोदी कर देंगे उस दिन हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक संसद भारत का संसद रहेगा हम वहाँ जाएंगे। बात सुन लीजिए, कमर जी जल्दी आराम से बात सुनिए, देखिए आपने हमारी बात नहीं मानते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो तो विद्वानों ने बनाई, विद्वानों की कमेटी थी, आपने उसको नहीं माना, आप सरकार की बात नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाई जाती है जिसमें विद्वान होते हैं उसकी आपने बात नहीं मानी, आप राहुल गांधी की PNK की बात मान लेते हैं, आप राजस्थान सरकार की बात मान लेते हैं, आप पंजाब सरकार की बात मान लेते हैं, तो क्या मुनासिब है आप हमें ये बताइए,
आपके लिए कांग्रेस पार्टी जिसने आपको 6 महीने धरना प्रदर्शन में आपको बैठा ले रखा, आपसे गुफ्तगू नहीं करी, आज आप उनकी बात मानते हैं, उनके प्रदेशों में आप जाके बयान देते हैं, उनके मुख्यमंत्री से आप सवाल नहीं करते। प्रबल जी, ऐसे में आपको विश्वास है तो किस पर है, किस पर विश्वास करेंगे? मैं शिल्पा जी, कमर अली, कमर अली जी को जवाब दे दूं, क्या गारंटी कि जो भी कमेटी अब आगे बनाई जाएगी, मैं जो कह रहा हूं, जो आपकी समस्या के समाधान के लिए उस पर भी आप सवाल नहीं करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं, ये पहले कानूनों को वापस ले, नई कमेटी बनाए। अरे ये जो चार कमेटी की बात कमर अली जी आप कर रहे हैं, पहली बात सुन लीजिए, ये चारों लोग नहीं सुन लीजिए, ये चारों लोग कौन है? ये चारों लोग वो हैं जो इन तीनों कानूनों के समर्थक रहे हैं, इन्होंने अभी भी आर्टिकल्स लिखे हैं, हम उनसे कैसे हम न्याय की बात करेंगे? लेकिन ये भी तो कहा गया था लोगों की तरफ से कि हमारे व्यक्तिगत जो मत है वो अलग है, जब हम कमेटी का हिस्सा रहेंगे, जिस तरह से हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा हम उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। लेकिन आपको तो तभी विश्वास नहीं हुआ, अगले चार लोगों, चलिए ठीक है, इन चारों को आप रिजेक्ट कर दीजिए, अगले जो चार लोग जाएंगे अगर उनके साथ भी ऐसी ही चीज कुछ हो जाती है तो फिर कितनी बार कमेटी चेंज करवाएंगे? शिल्पा जी, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं कि जो विपक्ष से बात नहीं करते। चंद्रशेखर जी थे, माननीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद पैदा हुआ, विपिन जी को याद होगा, उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई, अपनी पार्टी से मुलायम सिंह जी को लिया, कांग्रेस पार्टी से तब कांग्रेस पार्टी में शरद पवार जी को लिया, और भारतीय जनता पार्टी से भैरव सिंह शेखावत को लिया, और एक कमेटी बनाई जिसने इस मुद्दे को खत्म करने, सुलझाने के लिए काम किया। ऐसी कोशिशें क्यों नहीं हुई कभी? ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, इसीलिए तो मोटेरा में अपने नाम से कर दिया, और इन्होंने सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया इन्होंने नाम बदल कर। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, ये क्या, ये किस तरह के तानाशाह है क्या? ये बात अपनी जगह सही है, ठीक है, वो जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार की बात कर रहा है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन आप ये बताए क्या धमकी से इस कृषि कानून पर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? शिल्पा जी, पहले तो मैं बहुत तेजी से ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ कि जो आप धमकी शब्द यूज कर रही हैं, अगर अन्नदाता अपनी आवाज उठाता है और उसको आप धमकी देती हैं, और अगर आप सरकार के सवाल ले पूछती हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ आपको। पूछा मैंने, बिल्कुल पूछा मैंने, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच मत बोलिए। बहुत देर बाद शिल्पा जी ने आपने विपक्ष को समय दिया, सुनिए। The government is for the people, by the people or of the people. ठीक है। इस देश में, इस 130 करोड़ की जनता में, सन 1960 में इन अन्नदाताओं ने ही 83 मिलियन टन से बढ़ा के खाद्यान्न का उत्पादन 2018-19 में 275 मिलियन टन कर दिया, और आज भारत में अपने ऊपर धान और इनके फसलों पे आप निर्भर है। और अभी राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे थे कि अंबानी अडानी, या आप पूछ रहे थे कि अंबानी अडानी नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? खेती के धान में खरीदने के लिए सरकार उसके लिए नतमस्तक है, उसको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानती हैं कि पिछले 10 सालों में 1340 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन के मुकाबले केवल 358 मिलियन टन, मतलब 26% टन सरकार ने खरीदा है, और 1557 मिलियन टन चावल के उत्पादन में मात्र 487 मिलियन टन चावल खरीदा है, मतलब 31%। यह है सरकारों की हालत, इसलिए किसान परेशान है। 1960 में जिसकी सैलरी 5,000 रुपए थी, आज 50,000 रुपए हो गई है, और किसान वहीं पड़ा हुआ है। उनकी बात पूरी होने, आज आप कॉर्पोरेटों के हाथ में बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, मौका नहीं दिया गया। और जो ये भारतीय जनता, बोलिए सर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि अड़ियल रवैया, मैं अड़ियल रवैया पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अड़ियल रवैया है? अगर वो किसानों की बात करते हैं, असली गरीबों की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उनकी बात सुनने को आ रहे हैं? ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि वो जाके जवानों के साथ होली मिला सकते हैं और दीपावली मना सकते हैं, तो अपने किसानों के साथ क्यों नहीं बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। कौन सा फोन कॉल? कोई फोन कॉल नहीं है। ये उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार है जिसको कॉर्पोरेट घराने के साथ चला रही है, और आज आप यहां बैठे हुए हम पांचों लोग अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि देश की स्थिति और मध्यम वर्गीय की हालत और पिछड़े लोगों की हालत जो है वो देश में कभी नहीं रही है। लोग दानों दानों के मोहताज है, जेब में पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी के इंतजार में ये जो किसान लोग बैठे हुए हैं, पीएम मोदी जब तक नहीं आएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एक फोन कॉल की जो दूरी की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर तो बातचीत तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। शिल्पा जी देखिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर साहब,
और बाखूबी हमने अपने बात को रखा, मैंने सुना भी। जब ये अंबानी की बात करते हैं तो मैं अनिल अंबानी को इनको याद दिला दूं, समाजवादी ने राज्यसभा पहले भेजा था अनिल अंबानी को, ये भी मेरे मित्र सही कर रहे हैं। मैं अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं कमल भाई, मैं उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं, ना मैं अंबानी की बात कर रहा हूं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उस पे आइए, आपसे जो सवाल पूछा गया उस पे आइए, वरना बातें बड़ी लंबी लंबी निकालेंगे। नहीं मित्र, यहाँ राजनीतिक बातें हो रही है, आप राजनीतिक बातें करिए हमसे। मुझे डॉक्टर अजय के पास भी जाना है, मुझे जल्दी से अपनी बात को समाप्त कीजिए। आप हमारे मित्र हैं, सुन लीजिए, आपकी बात को मैंने खामोशी सुना, आपने अंबानी को राज्यसभा भेजा। दूसरी बात कर लेते हैं कि आपने 3 साल गन्ना भुगतानों का, आपने जो गन्ना भुगतान था 3 साल आपने नहीं दिया, जो मदरसा शिक्षक थे जिन्हें उस्ताद हम कहते हैं 3 साल का, उनका वेतन आप छोड़ के गए थे। अरे फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से झूठ नहीं सुनने जा रहे हैं। अरे चीनी के लिए तो आप डायबिटीज बोल रहे हो, आपके बाबा जी के डायबिटीज हो जाएगी, शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहा है डायबिटीज हो जाएगी, शर्म आनी चाहिए आपको, बैठ के आपके गंदगी फैलाते करोड़ का बकाया पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, 11,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में आज भी बकाया बाकी है। कमर भाई डिबेट के भी कुछ मौका देने दीजिए, आपके पास आते हैं। 27 साल कमर अली जी को वॉल्यूम डाउन की जाए, कमर अली जी को, ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय। कमर जी मैं समझ जी, देखिए तो इतना चिल्ला रहे थे कि आवाज भी नहीं सुनाई दी, एक तो बड़ी देर बाद आप आई हैं और उसके बाद ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। जो मुद्दा है आज किसान का और किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। टिकैत को धमका रहे हैं या टिकैत जी सरकार से अपनी बात रख रहे हैं, 40 लाख यदि ट्रैक्टर की बात तो कर रहे हैं, तो ये ताकत इस देश के किसानों की है। यदि वो अन्न पैदा करके आपको हमको खिला सकता है तो अपनी आवाज के लिए वो एक जगह संगठित भी हो सकता है, जो उसका संवैधानिक अधिकार है। इस पर यदि ये डिबेट हो रहा है कि फ्यूचर में हाइपोथेसिस एक से एक गढ़े जा रहे हैं भाजपा के लोगों के द्वारा कि यदि 40 लाख आ गए तो क्या होगा, आ गए तो ये सरकार जो आज दम्भी बनी हुई है, अहंकारी बनी हुई है, उसको अपनी ये अहंकार छोड़नी पड़ेगी, ये डर है यार। इस पर बात होनी चाहिए। 250 लोग जिस तरह से अब जान गंवा चुके अपने, इस पर यदि एक डिबेट होता कि किस तरह ये सरकार हत्यारी सरकार, मैं कहता हूँ हत्या का दोषी है सरकार। अजय उपाध्याय जी, दरअसल किसानों के अधिकार में और अभी भी बातचीत नहीं कर रहे, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि किसानों को जो भी आपत्ति है, जो भी समस्या है, सुझावों के जरिए, दस्तावेजों के जरिए वो सरकार के साथ एक बार फिर से बैठे, फिर से बात करें। और ये मैं दोनों पक्षों के लिए कह रही हूँ, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सिर्फ सरकार से नहीं, ये मेरी दोनों से अपील है कि आप दोनों बैठिए, बात कीजिए। 15 दौर की बातचीत हो गई, 15 दौरों की बातचीत हो गई है और कितनी इंतजार किया जाए, तो क्या सड़कों पर घमासान के जरिए घमासान तो लेकर समाधान का कोई तरीका नहीं हो सकता, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, आप मानेंगे सर इस बात को? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या समाधान के लिए घमासान होना जरूरी है? बातचीत की वैज्ञानिक तरीके में 15 दौरों की बातें मंत्रियों के साथ में हुई है, ये कहीं बाहर नहीं बात हुई है, मंत्रियों से बात हुई है, केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई है। आप सभी से जल्दी जल्दी से आपको पैनल कमेंट में चाहूंगी, फिलहाल आपको अब आगे किस तरह की चीजें, पंद्रह दौड़ की बात नहीं हुई, आपने सुना नहीं, पहले 15 बार का वार्ता कर लिया जनवरी को, ऐसे ना हो कि कोई, अरे कमर जी 15 बार का वार्ता हो गई। अब जो है संसद मार्च की जो बात चल रही है वो कैपिटल हिल वाला हिसाब किताब ना हो जाए, तो यहाँ पर भी ये देखिए ये आशंका है मन में, तो आश्वस्त करना पड़ेगा और हल निकालना पड़ेगा, बातचीत से ही हल निकलेगा। चिंता किसानों की ही है प्रबल जी, आप लोगों की ही तो चिंता है, तभी तो कहा जा रहा है कि कैपिटल हिल जैसी हिंसा ना हो जाए, जिम्मेदारी सबकी बनती है, आप लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये सरकार ये बताइए, ऐसे में आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से पूरा करनी होगी। ये मुद्दे जो है, ये सरकार जो है वर्तमान में जिस तरीके से अभिमानी हो गई है, अहंकारी हो गई है, वो बातें किसानों की बात क्यों नहीं मान लेती है? बात
बारह दौर की वार्ता में जब क्लॉज बाय क्लॉज किसान बात करते हैं, जब बैठकों में हमारे नेता चौधरी हरपाल सिंह जाते हैं, वो अब बता रहे थे कि जब 42 लोग जाके वहां क्लॉज बाय क्लॉज बात करते हैं, विपिन जी ये लोग भाग जाते हैं, मंत्री दो दो घंटे तीन तीन घंटे बाहर रहते हैं, फिर किसी से टेलीफोन से बात करके आते हैं, फिर एक नया स्टैंड बताते हैं। ये 12 दौर की वार्ताओं में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किसानों को अपमानित किया, किसानों को अपमानित करने का काम जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर कहा जा सकता है अभी इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिस तरह से राकेश टिकैत का रुख दिखाई दे रहा है, उसके बाद अब भगवान न करे कि 26 जनवरी वाली हिंसा दोबारा से रिपीट हो, इस तरह की कोई तस्वीर हमारे सामने आए, ऐसे में बहुत ध्यान से फूक फूक कर किसान संगठनों को कदम रखना होगा अगर अपने इस आंदोलन को वो आगे बचा कर रखना चाहते हैं, वाकई में किसानों के हित की वो बात करना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।